हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज मैं आपको एम्प्टी लोड बॉक्स या एम्प्टी लोड डिवाइस के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये मैं बीसीएन में एम्प्टी लोड डिवाइस लगी हुई है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले ये हमारा ब्रेक सिलेंडर है। ब्रेक सिलेंडर के पीछे एक ये लीवर लगा हुआ है। ये चूंकि ब्रेक सिलेंडर के पीछे है, ये हमारा डेड लीवर है। डेड लीवर में ही हमारी एम्प्टी लोड बॉक्स, गियर बॉक्स बोलते हैं इसको, एम्प्टी लोड गियर बॉक्स डिवाइस भी कह सकते हैं। ये एम्प्टी लोड बॉक्स लगा हुआ है इसमें। हमें इस लीवर में दो रॉड हमारी लगी हैं, एक इधर और एक इधर। ये रॉड है, ये जो रॉड हमारी है, ये आगे एक स्लीव नट लगा हुआ है, ये चेक नट लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारी है ये लोडेड टाई रॉड है, और ये वाली जो रॉड लगी है ये हमारी एम्प्टी टाई रॉड है। ये दोनों जाके आगे जाके, जैसे यहां पर ये कनेक्ट है इस वाले डेड लीवर से, इसी तरह से आगे एक आपको लीवर दिख रहा होगा, उस लीवर को हम लाइव लीवर कहते हैं, क्योंकि ये सिलेंडर के आगे लगे हुए हैं। ये दोनों रॉडें जाके वहां पर उससे जुड़ी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसको आगे से दिखाता हूं। हम इसके आगे आ गए हैं। ये हमारा ब्रेक सिलेंडर दिख रहा है, ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन हो गया। पिस्टन के आगे देखिए, ये हैंड ब्रेक की रॉड हो गई। ये हमारा लीवर, जिसको मैंने लाइव लीवर बताया, ये वो वही दोनों रॉड है हमारी, ये लोडेड टाई रॉड और ये एम्प्टी टाई रॉड। वो आगे स्लीव नट मैंने उस तरफ से दिखाया था आपको। ये देखिए लाइव लीवर में आगे जाके हमारी ऐसे भी लगी हुई है। ये इसकी कंट्रोल रॉड हो गई। कंट्रोल रॉड का एक हिस्सा हमारा ये नीचे लगा हुआ है एसएबी के, और दूसरा हिस्सा वो आगे जो लीवर था, जो डेड लीवर हमने उस तरफ से देखा था, उसके नीचे वहां पर वो दिख रहा होगा आपको। दोस्तों, ये तो आपने इसका अरेंजमेंट देख लिया, अब मैं इसकी वर्किंग आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, यहां पर हमारे पास एम्प्टी लोड बॉक्स रखा हुआ है। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको पार्ट्स बता देता हूं जल्दी से। ये हमारी एम्प्टी रॉड है, ये टाई रॉड है, ये स्लीव नट हो गया, ये चेक नट हो गया, ये एम्प्टी लोड बॉक्स हो गया। ठीक है, अब ये किस तरह से काम करता है। अभी ये जो पोजीशन है ये एम्प्टी पोजीशन में है, जिसमें ये रॉड जो है, टाई रॉड जो है, वो इसमें लॉक के साथ बैठी हुई है, अभी ये बाहर नहीं निकलेगी। जैसे ही मैं इसको लोड पोजीशन में करता हूँ, ये रॉड फ्री हो जाती है और बाहर इस तरह से निकल के आती है। हम इसको अगर पूरा निकालना चाहें तो ये पूरी बाहर निकल के इस तरह से आ सकती है। देख लीजिए, ये इसका ऑपरेटिंग हैंडल हो गया, जो इसको एम्प्टी या लोड में करने के काम आता है। देखिए किस तरह से मैं जब इसको चेंज करता हूँ, तो यहाँ पर हमारी आवाज़ आती है इस तरह से, कट की आवाज़ आती है, तो इससे हमें ये मालूम चल जाता है कि ये हमारा एम्प्टी में है या लोडेड में है। देख लीजिए, अभी ये लॉक हो गया है। अब मैं इसको निकालूंगा तो ये बाहर नहीं निकल रहा है। मैं इसको खींच रहा हूँ, ये बाहर नहीं निकल रहा है। जैसे ही मैं इसको लोडेड में करता हूँ, सॉरी, ये लोडेड कंडीशन है। अब ये देखिए, ये आराम से इस तरह से बाहर आ जाता है। तो इसका होल जो है, बोल्ट जो है, वो यहाँ पर, ये अभी इस तरह से ये अंदर रॉड पहुँच जाएगी, और मैं इसको यहाँ से ये चेंज कर दिया तो ये लॉक हो गया है। ये एम्प्टी कंडीशन है, मैं इसको कितना भी खींचूंगा ये निकलेगा नहीं, तो ये एम्प्टी कंडीशन में हो गई। किस तरह से होता है, ये मैंने इसको लोडेड में किया, ये पूरी बाहर निकल के आ जाती है इस तरह से। एक लॉक सिस्टम है, इसको आप देख लीजिए इसके अंदर क्या है। एक लॉकिंग अरेंजमेंट इस तरह से दिया, इसका लॉक जो है वो किस तरह से होता है, ये अंदर आपको एक अभी लॉक नहीं दिख रहा है, जब मैं जैसे ही मैं इसको लॉकिंग पोजीशन पे ले जाऊँ तो ये लॉक इसमें आ जाता है। अब ये किस तरह से काम करता है, ये जो इसमें यहाँ पर आप एक कट देख रहे हैं, कट सेक्शन, ये जो इसमें लॉक है वो इस कट में बैठ जाता है और इसको बाहर नहीं निकलने देता है, जो कि हमारी एम्प्टी पोजीशन होती है। और जैसे ही इसका हैंडल हम इस तरह से घुमाते हैं, ये लॉक अंदर चला जाता है और ये रॉड फ्री हो जाती है, तो ये बाहर निकल के आती है। अब इसका मैं आपको पूरा अरेंजमेंट, देखिए कैसे असेंबली होती है, मैं आपको बता देता हूँ। ये इसमें गया, इसको अपन ने इस तरह से लॉक कंडीशन में कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये लॉक हो गया, अब ये रॉड बाहर नहीं निकलेगी। तो ये जो कंडीशन है जिसमें ये रॉड बाहर नहीं निकलती है, वो एम्प्टी कंडीशन कहलाती है। ये इसकी एम्प्टी टाई रॉड हो गई, ये स्लीव नट हो गया, ये चेक नट हो गया, ये एम्प्टी लोड बॉक्स हो गया। अब देखिए, ये पूरा असेंबल मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है, किस तरह से वर्किंग होती है, ये मैंने इसको असेंबल करके रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए,
बस इसमें एक कमी क्या है, यहाँ पर एक चेक नट रहता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसको ऑपरेट करके दिखाता हूँ किस तरह से ऑपरेट होगा। स्लीव नट की वर्किंग कैसे काम करता है, स्लीव नट जब भी हम पिस्टन स्ट्रोक सेट करना होता है तो हम स्लीव नट को घुमाते हैं, किस तरह से काम करना है देखिए, मैं आपको पहले इसको क्लॉकवाइज घुमा के दिखाता हूँ। ये मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो ये रॉड जो है वो ये स्लीव नट बहुत काम का है, क्योंकि इसमें जो है एक तरफ जो टूथ हेड है वो अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरे में अलग डायरेक्शन में। तो जैसे ही मैं इसको घुमाता हूँ तो ये दोनों इधर भी खुलता जाएगा उधर भी, यानी इस रॉड की लेंथ जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और अगर मैं इसको क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज घुमाऊंगा तो ये टाइट होती जाएंगी, यानी दोनों रॉड पास पास आती जाएंगी। तो हम इसकी सहायता से पिस्टन स्ट्रोक को सेट करते हैं। कभी पिस्टन स्ट्रोक हमारा ज़्यादा आ रहा है तो हम इसको इसकी सहायता से पिस्टन स्ट्रोक एम्प्टी और लोडेड कंडीशन में सेट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने आपको बता ही दिया, ये अभी लॉकिंग पोजीशन है, ये लॉक है हमारा, तो मैं इस तरह से कर दूंगा कि इसकी रॉड की लेंथ बढ़ती चली जाएगी, तो फलक्रम जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी फलक्रम जब ये लॉकिंग पोजीशन में रहती है इस तरह से, तो फलक्रम इस पर होता है तो हमारी एम्प्टी रॉड काम करती है, और जब हम इसको घुमाते हैं लोडेड कंडीशन में लाते हैं तो ये रॉड बाहर निकल के इतनी आ जाती है, और जो फलक्रम है वो हमारा लोड रॉड पर चला जाता है।